नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताज कॉर्नर में। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े या फिर कबाब का बात ही कुछ अलग होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आई हूँ सुपर हेल्दी क्रिस्पी और टेस्टी पत्ता गोभी के पकौड़े या कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट तरीके से हम बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सुपर हेल्दी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम पत्ता गोभी ले लिया था। उसको अच्छे से साफ़ करके और यहाँ पे लंबे स्लाइस में ऐसे काट के रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, पतले पतले स्लाइसेस तैयार करेंगे। अब सब्जियों से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें रिलीज करना है, यानी कि निकालना है। तो उसके लिए आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सब्जियाँ जो हैं पानी छोड़ दें, जिसके कारण हमारे पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो सारे टिप्स मैं आगे देने वाली हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। एकदम क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, नमक को मैंने मिक्स कर दिया है, इसको साइड में रख देती हूँ और इस पकौड़े के लिए एक टेस्टी मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले खलबट्टे में 8 से 10 लहसुन की कली ले लेंगे और 2 से 3 इंच अदरक के टुकड़ों को साफ़ करके इसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। अब इसको अच्छे से हम लोग क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे क्रश करके ले सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये मसाला यहाँ पे रेडी है, तो इसको अब साइड में रख देते हैं। और तब तक हमारा ये जो पत्ता गोभी है इसमें से भी पानी रिलीज हो गया है और क्वांटिटी में काफ़ी कम हो गया है, ये देख सकते हैं। और नीचे अच्छा खासा, मतलब 2-3 बड़े चम्मच जैसा पानी अलग से निकल भी गया है। तो इस पानी को हम लोग फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इस पानी को यदि फेंक देंगे तो फिर जब हम लोग बेसन इसमें मिलाएंगे तो फिर हमें पानी भी डालना पड़ेगा इसके मिक्सचर को बनाने के लिए। इसलिए हम लोग इसी पानी में अब हम लोग सारा मिक्सचर रेडी करेंगे, एक्स्ट्रा हम लोग पानी इसमें नहीं यूज करेंगे। तो इस पकौड़े को टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दी हूँ, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लेंगे और जो हमने मसाले क्रश करके रखे थे उसको ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया को ऐसे क्रश करके ले लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये ज़रूर डालें। उसके बाद 1 छोटा चम्मच लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद ले लेंगे यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए, आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। अब मसालों को सबसे पहले सब्जियों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम लोग बेसन इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे मसाले को सब्जियों में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पकौड़े को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। इसके जगह आप 2 बड़े चम्मच सूजी ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लगभग बेसन लिया है, जिसका आधा डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नमक हमने आधा चम्मच डाला था शुरू में और थोड़ा सा नमक मैं अभी भी डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। पानी का यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, जो पानी रिलीज हुआ था सब्जियों में से उसी पानी से ये मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। तो बस ये सबसे बड़ा टिप है क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि जब हम लोग सारी चीज़ों को डालने के बाद नमक डालते हैं तो सब्जियाँ अपनी पानी छोड़ देती है और वो जो मिक्सचर होता है काफ़ी लिक्विडी हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है। तो यदि मिक्सचर गीला रहेगा तो पकौड़े भी हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, यानी कि सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए, सारे जो मैंने बेसन रखा था साइड में उसको भी मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद बाइंडिंग तो आ गई है मिक्सचर में, लेकिन पूरी तरह से बाइंड नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत जो प्याज है और पत्ता गोभी है वो बिखर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन और ऐड करूँगी, तो इस तरह से आप बाइंड करके हाथों में देख लें, यदि परफेक्ट है तो नहीं डालें, और इस तरह से बिखर रहे हैं तो 1-2 चम्मच बेसन डाल के फिर से मिक्स कर लें, तो ये हमारा परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो जाएगा क्रिस्पी पकौड़े के लिए। और ये देखिए, सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल अब परफेक्ट है। तो इस तरह से हाथों में आपको कबाब बनाने हैं तो टिक्की के शेप में बना के इस तरह से फ्राई कर लें, या फिर पकौड़े, लच्छेदार पकौड़े बनाने हैं तो वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो ये देखिए, 1 टिक्की हमने बना लिया है, ये कबाब हमारा रेडी है। तो इसी तरह से बना के रेडी करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो 4 कबाब हमारे रेडी हैं, चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मीडियम गर्म तेल चाहिए हमारा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फटाक से उसमें कलर आ जाएगा और अंदर से ये कबाब कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, कुछ मिनट फ्राई होने के बाद इसको हम लोग पलट लेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे फ्रेंड्स।
और इसको उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है क्योंकि ये पत्ता गोभी है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकने में, प्याज के पकौड़े से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट में इसमें बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया है, काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है देखने से ही। तो ये पकौड़े, ये कबाब बिल्कुल तैयार हैं। तो इसको निकाल लेते हैं तेल से और मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ। इसके कलर को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बने होंगे। तो बिल्कुल सर्दियों का मौसम हो, कड़कड़ाती ठंड हो और उसमें ये गर्मा गर्म पकौड़े या फिर ये कबाब मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। आप इस तरह से लच्छेदार पकौड़े भी इसके बना सकते हैं। दोनों ही खाने में काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। मैंने दोनों ही तरीका आपको बता दिया है, जो भी पसंद हो आप उससे बनाएं और इसको इंजॉय करें इन सर्दियों में। तो ये देखिए, ये लच्छेदार पकौड़े भी बनके यहाँ पे रेडी है। तो इसको मैं आज सर्व कर रही हूँ हरे धनिया की चटनी के साथ और गुड़ इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का बात ही कुछ अलग होता है। और इसके साथ है ये फ्राई की हुई हरी मिर्च, जो कि इसके स्वाद को 10 गुना बढ़ा देता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आज हमारा सर्दी स्पेशल बहुत ही हेल्दी स्नैक्स बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।